मोमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड डैड। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 15, 16 और 17 मंथ के बेबी के फूड चार्ट के बारे में। ऐसे क्या ऑप्शन है जो आप अपने बेबी को दे सकते हो जो उसे अच्छे भी लगें, टेस्टी भी लगें। इस फूड चार्ट में मैं आपको बता दूँ कि अभी मेरा बेबी 16 मंथ का है और मुझे ये 15-16 मंथ के चार्ट बनाने में ज़्यादा इजी रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा बेबी ये सब खा रहा है और मैंने अपने माइंड में भी प्रिपरेशन कर रखी है कि मैं उसे और आगे क्या दे सकती हूँ। मैंने एक फूड चार्ट की सीरीज़ शुरू करी है जिसमें मैं ये 15-16-17 मंथ अभी कवर कर रही हूँ और प्रीवियस जो मंथ हैं 7-8-9 या आगे के जो मंथ हैं उसको भी मैं शूट करूँगी, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि वो मेरे बेबी के साथ मैं पहले दे चुकी हूँ, तो मैंने वो चार्ट कहीं बना के रखे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट अभी के लिए मैं आपको 15-16-17 मंथ के बेबी के फूड चार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने इस वीडियो में मैंने फूड चार्ट को शेयर नहीं कर रही हूँ, आपको पढ़ के नहीं बताऊँगी। मैंने जो भी फूड चार्ट बनाया है मैंने अपने वीडियो में पेस्ट कर दिया है, जिससे आपको भी इजी रहेगा, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो, उसे इजीली पढ़ के याद कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी फूड चार्ट होता है मैं अपने जहाँ खाना बनाती हूँ उसे स्टिक कर देती हूँ, जिससे मुझे भी याद रहता है कि मैं अपने बेबी को और क्या ऑप्शन दे सकती हूँ। तो आप भी वो कर सकते हो, आप ये फूड चार्ट को अपने जहाँ भी नोट करके उसे स्टिक कर सकते हो, तो आपको भी इजी रहेगा कि आप अपने बेबी को आज क्या दे सकते हो, क्या वैरायटी दे सकते हो। ये फूड चार्ट मैंने ऐसे बनाया है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिशन, सारे फ्रूट, वेजिटेबल्स सब कुछ कवर होगा, क्योंकि इस टाइम तक बेबी सब शुरू कर देते हैं। कई बेबी होते हैं जो अभी पराठा या कुछ नहीं खा पाते हैं, मेरा बेबी है जो अभी उसने रिसेंटली शुरू किया है पराठा और ये सारी चीज़ें खाना, तो उन बेबीज़ के लिए भी आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो बेबी पराठे और सब खाने लगे उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फूड चार्ट देखा आपने जो आप अपने बेबी के साथ ट्राई कर सकते हो। आपने देखा होगा मैंने हर मंथ के दो दो फूड चार्ट दिए हैं आपको, तो आपके पास भर के ऑप्शन है जो आप अपने बेबी के साथ ट्राई कर सकते हो। इन फूड चार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपके बेबी को कुछ चीज़ें पहले पसंद आ रही हैं तो उन्हें पहले दे सकते हो, या उन्हें जो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है उन्हें आगे के मंथ के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आपका बेबी खाया आप उसे वैसे खिला सकते हो, क्योंकि हमारा तो एम है बस कि बेबी को हेल्दी न्यूट्रिशन फूड बैलेंस डाइट देनी है, जो आप किसी भी जरिए से दे सकते हो। ये है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको बेबी को फोर्स नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा खाए, फोर्स नहीं करना है। जितना वो हैप्पी होकर खा रहा है आप उसे उतना खिलाइए, जितना वो अपने मन से खा रहा है उतना खिलाइए। मे भी आप थोड़ी थोड़ी देर में खिलाओ, बट जितना अपनी मर्ज़ी से खाए उतना खिलाओ। और मैं आपको बता दूं कि हर बेबी एक सा नहीं होता, कि अगर मेरे बेबी ये खा रहा है तो मैं भी, मतलब दूसरा भी वही खाए, मेरा बेबी भी वही खाए, इतने सारे ऑप्शंस दिए तो वो सारे ऑप्शंस का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। बेबी के टेस्ट के ऊपर होता है, उसके एपेटाइज लेने के ऊपर होता है कि वो कितना लेता है, क्या उसे पसंद आता है क्या नहीं आता है। तो उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बेटा भी पराठा नहीं खा रहा है, या उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस उसे किसी भी जरिए से बैलेंस डाइट दो, न्यूट्रिशन पूरा जाना चाहिए बेबी को। आप ये कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो कि ब्रेस्ट मिल्क, जितना हो सके ब्रेस्ट मिल्क दो, फॉर्मूला मिल्क या काऊ मिल्क से आप सारी चीज़ों को बना सकते हो, जिससे वो और हेल्दी बन जाए। ये मेरा एक्सपीरियंस था, जिसे आप पूरी तरीके से
इंजॉय कर सकते हो, अपने बेबी के साथ ट्राई कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो या आपके पास भी कोई अगर ऐसी रेसिपीज़ हो जो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो हम सबके साथ, तो शेयर करना, कमेंट करना। और मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, लगता हो आपके बेबी को ये चीज़ें पसंद आ सकती हैं या आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा नए वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।